सिंपल क्यूब हम निकालना बताते हैं। सबसे 16 लिख रहे हैं, 16 का जैसे हम क्यूब निकालना है तो 16 का क्यूब निकालना है जिसमें दहाई का गुण होना चाहिए, लेकिन दहाई का गुण हो चाहिए तो इकाई का अंक 6 है, जो भी है इकाई का उसको हम उसे लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे उसका और उसका फिर क्यूब लिखेंगे। जैसे 6 का क्यूब 16 हो गया, हमें 6 का दुगना करना है बीच वाले का और 36 का भी दुगना कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं, 6 का 6 उतार देंगे और इसको 21 वहाँ लिख देते हैं उसको कैरी के रूप में। और ये अब जोड़ेंगे, हमेशा इकाई का अंक ही लिखना है, इकाई का अंक जोड़ते हैं। 617 और 29 हो गया, तो 9 को हम यहाँ पर सटा के लिख देंगे, ठीक है, 6 के बगल, क्योंकि हमें वहाँ ज़रूरत नहीं, इसको हम काट देंगे, ये 9 हम काट देंगे, इसको हम लिखेंगे नहीं। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 5 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाए, 12 वहाँ लिख देंगे। और इकाई का अंक हमेशा लिखना है बता रहे हैं, तो ये हमारा 6 4 10 हो जाएगा, जोड़ने पर 10 का 0 यहाँ लिख दी और 1 बच रहा है, 1 उसको ले जा करके जो है उसको यहाँ पर लिख देंगे, 1 1 2 और 3 हो गया, तो 3 यहाँ पर नहीं आगे बढ़ा देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, 3 1 4 हो जाएगा, इतना हमारा आ गया इसका क्यूब, 16 का क्यूब घन ये इतना है। इसको हमेशा याद रखना, हमेशा इकाई का अंक लिखना है। चलिए आगे फॉरवर्ड करते हैं, बताते हैं क्या है असली वीडियो। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार परेड और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं घन निकालना, क्यूब, जो कि आप बहुत हार्ड समझते होंगे, पर इस ट्रिक से आज हम क्यूब निकालना बताएंगे। और ये ट्रिक हमने सीखी है श्री माननीय राकेश सर जी, जो बहुत ही महान गणितज्ञ हैं, अच्छे अच्छे कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, राकेश यादव सर, उनकी द्वारा सिखाई गई ट्रिक्स है, क्रेडिट उनको जाता है। आप इसको आप भी सीखिए, हम सिखाने चल रहे हैं। तो घन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक को जरूर ध्यान दीजिएगा, अच्छा लगे तो। ये घन जरूरी है, इसको याद करना पड़ेगा, घन भी याद करिएगा इस और वर्ग भी याद करिए, 1 से लेकर के 9 तक के घन को और 1 से लेकर 9 तक के वर्ग को याद कर लीजिएगा। वर्ग हमने इसमें लिखना भूल गए, अभी लिख देंगे, वीडियो पॉज करके अभी हम लिख देंगे, पहले हम थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद वीडियो पॉज करके अभी हम वर्ग भी लिख देंगे, पर आपको याद करना है। ये 5 तरीके हैं, तो इसमें से 5 तरीके, ये सबसे ऑलराउंडर तरीका है, ये 5वां नंबर ऑलराउंडर तरीका। इस तरीके से ये पीछे जो भी 4 तरीके हैं, 2 तरीके 3 तरीके सभी तरीके हैं, केवल ये तरीका अगर आप सीख लेंगे तो आपको वो सारे घन निकाल लेंगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी। पर इसको हम अगले नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, हम आज 2 तरीकों की बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं और इसको भी हल कर सकते हैं और इसको भी हल कर सकते हैं, यानी सभी 4 हल कर सकते हैं, और ये एक यूनिक तरीका है, अच्छा तरीका है। तो आज हम केवल 2 तरीकों की बात करेंगे, ये दोनों की, पहले और दूसरे तरीकों की, और ये बीच वाला तीसरा चौथा पांचवा इस तरीकों को नेक्स्ट पार्ट दूसरे पार्ट में बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, और आप चैनल पर नए होंगे तो आप हाई स्कूल इंटर संबंधी वीडियो, एक स्टूडेंट के लिए जो भी मोबाइल कंप्यूटर संबंधित तैयारी के लिए, मोबाइल कंप्यूटर नॉलेज सभी देते रहते हैं, और 12th तक की जानकारी के लिए सभी सब्जेक्ट की वीडियो भी डालते रहते हैं। तो आप ये घन सभी याद कर लीजिएगा, 1 घन 1 2 8, इसी तरह सभी वर्ग भी याद कर लीजिएगा। दोनों याद करने के बाद आप चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो को, ठीक है। कुछ संख्या है यहाँ पर हम लिखे हैं, संख्या जैसे कि आपकी 12 है, क्या करना है इसमें, एक पॉइंट याद रखना है, हम दोनों संख्या में दो डिजिट है, 2 अंक है, 2 अंकों की संख्या के लिए, यानी कि ये आपको 99 तक काम करेगा, ये एक घन 99 तक। अगर यहाँ पर दहाई का अंक 1 जो होता है, 1 अगर दहाई के अंक पर रहेगा तो पहला फार्मूला काम करेगा, और 1 अगर इकाई के अंक पर रहेगा तो आपका दूसरा फार्मूला काम करेगा। याद यही बात रखना है कि अगर 1 आपका इकाई के अंक पर रहेगा तो दूसरा फार्मूला काम करेगा, यहाँ पर इकाई के अंक पर रहेगा, इस फार्मूले को यूज करना है। यानी 1 याद, पहला अगर ध्यान रखते हैं दूसरा आ जाएगा, दूसरा ध्यान में पहला आ जाएगा, दोनों सिंपल। अगर दोनों बराबर है, दोनों डिजिट बराबर है, जैसे 2 2 है, 1 1 है, 3 3 है, तो ये तीसरा फार्मूला काम करेगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और इस तरह से ए और बी एक डिजिट मानेंगे हम, 2 अंकों की, उसका क्यूब निकालना है, समझ लीजिए इसे, ठीक। यहाँ नीचे हमारा 3 4 है, ये दोनों डिजिट अलग अलग हैं, तो अलग अलग के लिए हमारा ये जो ऑलराउंडर ट्रिक है ये काम करेगा, यहाँ पर जो इसको काम करेगा। 5 0 है, इसमें इकाई का अंक 0 होना चाहिए, और आगे चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कुछ भी हो, आगे दहाई अंक पर कुछ भी हो, लेकिन 1 पर वो इकाई अंक पर 0 होना चाहिए, तो ये काम करेगा फार्मूला जो बीच में है, ठीक है। तो इसके लिए हम
अगली भी पार्ट बनाएंगे उसमें आ जाएगा। आज इस पार्ट में हम डिटेल दो ट्रिक्स पर बात करेंगे। पहली ट्रिक्स पर चल रहे हैं हम शुरू करने के लिए, तो इसमें दहाई का एक जो है दहाई अंक पे होना चाहिए, ये नियम है। एक कहाँ होना चाहिए, दहाई अंक पर होना चाहिए। एक हमारा दहाई अंक पर होगा जैसे कि लिखे हुए हैं, और इकाई अंक पर कोई भी संख्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो एक हमारा दहाई अंक पर हो तो ये नियम काम करेगा, ठीक। अगर एक हमारा इकाई अंक पर हो तो ये नियम काम करेगा, अगर एक इकाई अंक पर हो तो। परंतु अगर दोनों संख्या सभी दोनों अंक मतलब संख्या की दोनों अंक दोनों डिजिट अगर सेम हो बराबर हो तो ये फार्मूला काम करेगा, सभी बराबर अंक हो। अगर दोनों अंक अलग अलग दोनों अंक अलग हो दोनों डिजिट अलग अलग हो तो ये फार्मूला काम करेगा। ऑलराउंडर ट्रिक तो सभी पे काम करेगी, ये बात ध्यान में। अगली पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें से आप सभी को एक ही ट्रिक सीख लीजिए। अगर इस समझ में आए तो एक ही ट्रिक ऑलराउंडर ट्रिक सीख लीजिए, जिससे कि सभी क्यूब निकाल लेंगे, वो अगली नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको। तो इसमें पहली ट्रिक पर बात करते हैं। जैसे हमें 12 का क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, 12 क्यूब लिखते हैं, और इसमें देखिए दहाई पर वन है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो पहले वन लिखना है, और इसको दोनों डिजिट को हम ए मान लेते हैं, पर वन रहेगा तो वन लिखा जाएगा। तो हम इसको ए, दूसरा इकाई का अंक ए है जिसको हम फार्मूले के तरीके पर यूज कर सकते हैं, ए, ठीक। तो कहा गया है पहले ए लिखिए, एक मतलब जो संख्या हो उसको लिख दीजिए, ठीक है। आपको जैसे कि एक ही जगह पर आपका 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है कुछ भी जो भी हो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दहाई के अंक पर 1 है और इकाई के अंक पर 2 है 3 होगा 4 होगा कुछ जो भी होगा उसका उसी को यूज करेंगे। तो उसको पहले के सेम लिख देंगे, उसका फिर स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर याद रखना चाहिए, हम बता दिए हैं पहले भी, स्क्वायर हम लिख कर दिखा देंगे, बगल यहीं पर लिख देंगे स्क्रीन पर, रुकिए भी लिख देंगे। और ए का क्यूब, क्यूब तो यहाँ पर लिखा गया है, क्यूब इसी में से लिख देंगे। जैसे 2 का 2 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 लिख दिए। अब हमें बीच वाले दोनों को दोगुना कर देना, फार्मूले में कहा गया है, ठीक है। तो 2 का दोगुना करेंगे और 4 का दोगुना करेंगे दोनों को। तो देखिए 1 का 2a और a² का 2a, तो 2 का 4 और 4 का 8 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के लिए नियम याद रखिएगा, इकाई का अंक जोड़ना है, बाकी सभी को आगे कैरी के रूप में फॉरवर्ड कर देना है। 8 का 8 लिख दिए, 8 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको सटाकर यहाँ पर लिख देंगे, हम दूर लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सटाकर लीजिएगा, ठीक है। अब 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, भूल से लिखिए 1 वहाँ कैरी लिखा जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। कैरी के रूप में ऊपर लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, नीचे 1 नहीं माना जाएगा। तो उसको जो लिए 4 3 7 हो गया, 7 लिख दिए और वो वाला 1 लिख दिए, उसको ऐसे ही बता देना, 8 का 8 लिख लेंगे। अब हमने पहुँच करके देख लिए, स्क्वायर लिख दिया है ऊपर, स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा, स्क्वायर भी और इस क्यूब भी, 9 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है स्क्वायर सभी का, अब आसानी से हल होगा। तो एक बार इसको फिर समझ लेते हैं, दहाई अंक पर 1 होना चाहिए, इकाई पर चाहे जो भी अंक हो, इकाई पर जो भी अंक है उसका पहले 1 को 1 लिख देंगे, उसका हम पहले वही लिखेंगे, उसका स्क्वायर उसका क्यूब, ठीक, उसका स्क्वायर उसका क्यूब। उसके बाद हम उसका दोगुना, 2 का दोगुना 4, 4 दोगुना 8 लिख दिए, 8 को 8 जोड़ लेंगे और 8 जो भी इकाई का अंक लिखेंगे दहाई और जो भी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 8 4 12 की 2 लिख दिए, 1 कैरी है, 1 ले जा करके हम ऊपर लिख देंगे भी, ठीक। ये 1 ऊपर लिखने पर इसको जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, 7 का 7 कैरी कोई नहीं आ रहा है, तो 1 का 1 लिख दिए, ये हमारा आ गया 12 का क्यूब। अगला एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि हम 15 ले लेते हैं, ठीक। तो 15 ले लेते हैं, 15 का क्यूब निकालते हैं, 15 के क्यूब में हम क्या करना है, वही सेम फार्मूला, 1 को 1 ही लिख देंगे। अब 5 हमारा जो है 5 का स्क्वायर 25 होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसका क्यूब 125 यानी 125, 5 2 गुना 10 और 25 2 गुना 50, ठीक। और इस तरह से इसको हम, तो ये हम इसमें जो 12 आया उसको हम आगे कैरी रूप में फॉरवर्ड कर दिया, तो 5 2 7 लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद ये जो जितना है जोड़ेंगे, 5 2 7 1 8, 8 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 8 हमें कैरी के रूप में आगे फॉरवर्ड कर देना है जो भी हमारा, तो 8 यहाँ पर हम लिख देंगे और 8 5 13
और जीरो जोड़ेंगे तो 13 की 3 हो जाएगा, और तो होगा ना एक जो है दहाई पे मतलब आगे है तो 13 की 3 हो जाएगा, एक आ रहा है तो एक एक मिला करके 2 हो जाएगा, एक और एक मिलाकर 2 हो जाएगा, और 2 आगे फॉरवर्ड कर देंगे 1 की सीट पर, तो 2 और 1 जोड़ करके 3 हो जाएगा, ए हमारा क्यूब आ जाएगा। कैमरे में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए सॉरी। तो इतना आ गया 3375 आ गया हमारा क्यूब। उसके बाद हम चलते हैं, अगर बता दें, अगर नहीं समझ में आता है तो बता दे रहे हैं, एक बार आप समझ सकते हैं। तीस तरह से आपका 8 जो है वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिए हैं, ठीक। ये जो देखिए 1, 2, 5 इसको जोड़ने पर ये सब जोड़कर 8 है, तो 8 हम कैरी के रूप में रख दिए, तो 8, 5, 13 के 3 लिख दिए हैं, और एक बच रहा है जो वो एक हम एक में जोड़ करके 2 लिख देंगे, और 2 और 1 जोड़ के 3 लिख देंगे, मतलब इकाई अंक ही जोड़ना है, बाकी सभी को आगे कैरी के रूप में रख देना है, ठीक है। अब हम दूसरे फार्मूले पर चलते हैं, कुछ बताते हैं। इसमें हमारा इकाई एक जो है इकाई के अंक में होना चाहिए, दहाई अंक कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 31, 21, 31, 41 कुछ भी हो। प्रथम भी ट्रिक है, द्वितीय ट्रिक चल रहे हैं बताने, और द्वितीय ट्रिक में आपका इकाई का अंक होना चाहिए दहाई पर, कुछ भी हो 51, 61, 71 कुछ भी हो, द्वितीय ट्रिक में ये सब बताएंगे, मतलब इकाई के अंक पर एक होना चाहिए दहाई पर कुछ भी हो। तो इसके लिए चलिए हम बताते हैं इकाई के अंक इसमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी दहाई पर कुछ भी हो। उसमें आपका क्या हो सकता था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरह से, इसमें 21, 31, 61, 51 कुछ भी हो इस तरह से। तो 21 का निकालने चल रहे हैं क्यूब, तो क्या करेंगे, फार्मूला वही है वो जो उसका उल्टा है, एक पहले इसमें उधर था एक इधर है, तो पूरे फार्मूले को उलट दीजिए, ठीक है, पूरे फार्मूले को उलट देना है। तो 1 इधर लिखेंगे पीछे की तरफ, और 2 जो है 2 का 2 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 का क्यूब 8 होगा, देखिए उसी तरह है। अब क्या करेंगे, 2 का दुगना करेंगे और 4 का भी दुगना करेंगे, तो ये हमारा 8 और 4 हो गया। अब जोड़ेंगे 1 का 1 और 4 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 8, 4, 12 की 2 हो जाएगा, और 8 जो कैरी था उसको जोड़ करके 9 हो गया, टोटल इतना आ गया। हमेशा यूनिट एक इकाई का अंक ही लिखना है, ठीक है। 23 के चलते हैं, निकालते हैं 23 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 23 का नहीं निकलेगा क्योंकि ये यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, सॉरी गलती से हो गया, तो इसमें हम 31 का निकालेंगे, 1 होना चाहिए इकाई का अंक, 1 होना चाहिए। तो 31 का निकालने के लिए फार्मूला वही लगाएंगे, सबसे पहले 1 इधर लिख लेंगे दाहिने साइड से जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर 1 लिख लेंगे क्योंकि 1 लिखना ही जरूरी है। अब 3 का 3 लिखेंगे, 3 का दोगुना स्क्वायर होगा 9 और 3 का क्यूब होगा 27, और 3 का दोगुना कर लेंगे 9 का दोगुना, बीच वाले का दोगुना करना है, दोनों का दोगुना करना है। ट्रिक में देखिए लिखा गया है 1 का 1 लिख दिया, 6, 3, 9 जोड़ लेंगे, और 8 और 9 जोड़ेंगे 17 हो जाए, 17 यहाँ पर सटा करके लिख देंगे हम, थोड़ा दूर लिखने को दिखा, 7 हो गया, 1 कैरी आ रहा है, 1 और 1 ये जोड़ करके 2 हो जाएगा, और 2 को हम फॉरवर्ड कर देंगे 7 के ऊपर, ठीक है। अब 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। अब कैरी आया नहीं तो 2 को 2 ऐसे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 31 का क्यूब। तो इस तरह से इतना ही था, तो हम 2 ट्रिक पर समझा दिए केवल इतना ही। अब 2 ये बाकी जो 3 बचे हुए हैं, इन तीनों का हम अगला पार्ट नेक्स्ट बार बनाएंगे। ऑलराउंडर ट्रिक सीखने के लिए उसको जरूर देखिएगा, उसमें से क्या ऑलराउंडर ट्रिक सीख लीजिएगा, उससे सभी तरीकों को निकल गया केवल एक ही ट्रिक से, तो वो तरीका बहुत जल्द ही आ जाएगा, तुरंत इसके बाद वो पार्ट आएगा, आप देखने के लिए तैयार। इसको आप लाइक कर दिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह हाई स्कूल इंटर संबंधी एक स्टूडेंट संबंधी स्टूडेंट जो भी जरूरत हो, चाहे मोबाइल कंप्यूटर संबंधी एक स्टूडेंट की जरूरत संबंधी, हम सभी न्यूज और सारी टेक्निकल जानकारी और स्टडी संबंधी इंटर्स तक सभी जानकारी हम हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो भी डाल चुके हैं। तो अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।